हेलो स्टूडेंट, स्टडी पावर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो 56 होने वाला है और वीडियो लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आज की हमारे वीडियो की टॉपिक है निकिल कैडमियम सेल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और आज आपका पूरी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड हो गया है। आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये 5 मार्क्स का पेपर में पूछे जाते हैं और आने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार आपका जो पूछा गया था वो आपका जो लीड एसिडी स्टोरेज सेल था उसके बारे में पूछा गया था, लेकिन इस बार निकिल कैडमियम सेल भी पूछने जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आइए मैं आपको एक नज़र में इसको समझा देता हूँ ताकि अगर आपको कुछ भी ना याद हो लेकिन ये फिगर याद रहेगा तो आधा से ज़्यादा आप लिख ले जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टील कंटेनर है, जो स्टील कंटेनर होता है 1 mm मोटा होता है। नेक्स्ट आता है आपका NaO2 का, NiO2 का होता है आपका ये छड़ होती है और एक खोखली होती है जिसमें NiOH का होल, ठीक है, OH का होल फोर्थ बोल सकते हो टेट्रा, इसका घोल भरा होता है, पॉजिटिव प्लेट होती है। विंड प्लग एंड कैप या बोल लो या विंड प्लग, जिसमें से हम इसमें डायलूट को भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो कि KOH होता है। और दूसरी जो छड़ होती है आपकी निगेटिव, एक कैडमियम की बनी होती है, लोहे की छड़ होती है आपकी। इस तरीके से गाइस आपकी लोहे की छड़ तो दोनों है लेकिन एक खोखली और इस तरीके से होता है, इसमें अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो इसमें अलग से ग्रेफाइट मिला देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिखने के क्या तरीके हैं और किस तरीके से लिख कर आप यहाँ से 5 मार्क्स रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए लिखने के तरीके को देखते हैं कैसे लिखेंगे। इस बैटरी में लगभग 1 mm मोटी स्टील का कंटेनर होता है, 1 mm मोटी स्टील का कंटेनर होता है तथा विद्युत अपघट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो KOH का प्रयोग करते हैं तथा इसे या इससे को बनाने के लिए 20% KOH एवं 1% LiOH को आसुत जल में, जी हाँ आपने सही सुना, आसुत जल में मिलाते हैं। इसकी पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो निकिल ऑक्साइड लेपित लोहे की खोखली नली के फॉर्म में होती है जिसमें NiOH का होल फोर्थ भरा होता है तथा निकिल के चूर्ण भी भरे होते हैं। निकिल के चूर्ण साथ में ये तो भरा ही होता है, निकिल के भी चूर्ण भरे होते हैं। जबकि निगेटिव प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो निगेटिव प्लेट में क्या होता है, कैडमियम की ये बनती है, कैडमियम की बनती है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए, कहने का मतलब हमें सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको अगर कम करना है तो उसके लिए हम निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ 18-20% हम ग्रेफाइट को मिला देते हैं। ग्रेफाइट मिला देने से आपकी इसकी जो मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका मान कम हो जाएगा। बैटरी को एक मॉड्यूलेटेड रबर की सील से ढक दिया जाता है। देखिए इस तरीके से जो पूरा सीट लग के ढकी जाती है ना यहाँ पे, आप अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी या इन्वर्टर बैटरी या किसी बाइक की बैटरी है तो उसके ऊपर देखेंगे इस तरीके से पूरा ढका रहता है। अगर इसको निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब प्लेट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्या जुड़ी हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो ये जो पूरा आपका होता है क्या होता है, ये मॉड्यूलेटेड रबड़ की एक सील होती है। अब देखिए निकिल कैडमियम सेल में डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग के दौरान निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी अपक्रियाएं होती हैं आइए मैं आपको एक नज़र में समझाता हूं। अब यहां पे फिगर इन दोनों को भी याद करना होगा, अभी मैं दिखाता हूं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिगर। ये देखिए आपके सामने दिख रहे हैं NiOH का होल फोर्थ का होल फोर्थ का OH का होल थ्राइस टेट्रा बोलते हैं इसको, टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, पॉजिटिव है और आपका ये निगेटिव प्लेट्स है। ए सी डी कैडमियम की बनी है, NiOH4 का है, इसमें होल भरा है, KOH होता है जो कि आपस में टूट जाएंगे, KOH का इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किया जाता है। जब देखिए हम क्या करेंगे, लोड से बैटरी पहले चार्ज होगी, जब लोड से करेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव से करंट निकलती है इस तरीके से होते हुए निगेटिव में आ जाएगी लोड से होते हुए। एंड आपका जो यहाँ पे केस होता है ना, यहाँ पे चार्जिंग का जो केस था डिस्चार्जिंग का, वो इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बताए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इतना तो आपने फिगर देख लिया, अब रिएक्शन को समझना होगा। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती होगी तो यहाँ रिएक्शन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए देखिए 2KOH है, 2KOH को हम तोड़ेंगे अगर तो क्या होगा, 2K पॉजिटिव एंड 2OH निगेटिव हो जाएगा। एनोड पर कौन सी अपक्रिया होगी, एनोड पर होगी NiOH का 4 यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा, जिसे यहाँ पर मोनोडाई ट्राई टेट्रा होता है तो टेट्रा है, प्लस 2K प्लस हो जाएगा यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने 2K में से, मतलब 2K था 2 कैल्शियम 2 पोटेशियम से तो यहाँ पे निकल गया, तो आपका क्या बन जाएगा NiOH का होल ट्वाइस बन गया और इसका 2OH निकल करके इसके साथ चला गया तो 2KOH आपका बना दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आता है कैथोड पर कौन से रिएक्शन होते हैं, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैडमियम है प्लस 2H का होल ट्वाइस रहेगा तो ये क्या कर देगा, AcDOH का होल ट्वाइस कर देगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस जो होंगे वो निकल जाते हैं। इस तरीके से एनोड और कैथोड पर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं आपने देख लिया।
अब चलिए हम दोनों इन दोनों रिएक्शन को मर्ज करके देखते हैं क्या बनता है। अतः निकिल कैडमियम सेल में विसर्जन के दौरान निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया होती है, वो कौन सी अपक्रिया होती है आइए समझते हैं। देखिए एनआई ओएस का 4, ठीक है, मतलब टेट्रा है और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2KOH आपका यहाँ पे लगा हुआ है, 2KOH भाई यहाँ पे, तो क्या होगा इसके बाद, ये क्या है आपका CD है, CD मतलब आपका कैडमियम था, निगेटिव है। तो विसर्जन मतलब डिस्चार्जिंग के केस में NiOH का होल टॉइस पॉजिटिव पर एंड 2KOH आपका निकल जाएगा प्लस CDOH का होल टॉइस निगेटिव पर एंड आपको मिलेगा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपको बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से गाइस आपके डिस्चार्जिंग के केस में इतना चीज़ होती है। अभी तक आपने देखा कि बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है और उसके रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में। आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है अब बैटरी चार्ज कैसे होती है, यानी आवेशित कैसे आपकी बैटरी होती है, इसके रिएक्शंस को देखने का समय आ चुके हैं। देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कंटेनर भी बना दिए गए हैं, आपका कंटेनर है ये, आपका NiO2 का होल ट्वाइस है एंड उसके बाद ये डिस्चार्जिंग फॉर्म में आपकी बैटरी है और आपका CDOH का होल ट्वाइस है, KOH का घोल भरा हुआ है। यहाँ पे दिखाए गए हैं कि डायलूट में 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, हम यहाँ से DC सप्लाई देंगे पॉजिटिव को, मतलब जो DC सप्लाई हम चार्ज करेंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से देंगे तभी आपकी बैटरी यहाँ पे चार्ज होगी। चलिए आइए देखते हैं यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं OH जो टूटेगा वो इस तरफ पॉजिटिव तरफ जाएगा और K+ इसके तरफ जाएगा। तो देखिए 2KOH किस में टूटेगा, 2K+ में और 2OH माइनस में आपका टूट जाएगा। अब देखिए एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा गाइस, एनोड पर आपका जो रिएक्शन होगा वो NiO2 का होल OH का होल ट्वाइस जो है प्लस 2OH माइनस, तो जब इतना गाइस आपका मिल जाएगा तो क्या बनेगा NiOH का होल टेट्रा बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस निकल जाएंगे। ये तो रिएक्शंस हो गए एनोड पर। नेक्स्ट आपका जो लेवल आता है वो आता है कैथोड पर। कहने का मतलब ये है कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो CDOH का होल ट्वाइस आएगा प्लस K+ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस जो हैं इसके पास आपके आ जाएंगे, तो आपका यहाँ पे आप 2 कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर लेना 2 कर लेना, तो 2K+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर लेगा तो यहाँ से क्या होगा CD हो जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हो आपका क्या हो जाएगा CD प्लस 2KOH आपका बन के निकल जाएगा इधर कैथोड पर, ये रिएक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये दोनों रिएक्शंस अलग अलग थे इनको हम मर्ज कर लेते हैं, एक में मिला करके देखते हैं कि हमारी किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं। अतः आवेशन के दौरान हम कह सकते हैं कि निकिल कैडमियम सेल में निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया होती हैं, जैसे कौन सा NiOH का होल ट्वाइस ए पॉजिटिव पर 2KOH प्लस CDOH का होल ट्वाइस नेगेटिव पर एंड प्लस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्जिंग के केस में क्या हुआ कि NiOH का होल टेट्रा पॉजिटिव पर एंड 2KOH आपका निकल जाएगा, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स में बदल जाएगा एंड CD जो होगा कैडमियम आपकी प्लेट से निकल, मतलब कैडमियम से बन जाएगा, OH यहाँ से देख सकते हो निकल गया था, ठीक है, KOH बना दिया था निगेटिव पर, ये पॉजिटिव बन गया ये निगेटिव बन गया। तो इस तरीके से आपका निकिल कैडमियम जो सेल था इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग और लिखने का सबसे आसान तरीका। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ध्यान दीजिए यह आज का लास्ट वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।